हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ ऑटो एक्सपर्ट की तरफ से। और आज हमारे पास आई हुई है फ्रॉन्क्स, और गाइस ये हमारा रहने वाला है सिग्मा वेरिएंट। तो इसमें हम अभी हम काम करने वाले हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि जो बेसिक काम हमारा होता है ना वो हम इसके अंदर करने वाले हैं। ज़्यादा काम नहीं रहने वाला है, बेस टू टॉप नहीं करने वाले इसमें हम बजट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और मेन जो हमारा काम रहने वाला है ना वो सिस्टम और स्पीकर्स का रहने वाला है। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या लगाने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ की साइड में रेन वाइजर्स नहीं मिलते हैं तो रेन वाइजर्स लगाने वाले हैं। साथ ही साथ हैंडल भी हमारा जो पूरा ब्लैक रहने वाला है ना नॉर्मल, इसके ऊपर भी हम क्रोम फिनिश यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड बिल्डिंग्स कुछ इस टाइप की भैया ने पहले से ही लगवाई हुई थी कंपनी से ही। ये आपको चाहिए तो ये भी हमारे पास अवेलेबल मिलता है। और इसके ऊपर देख सकते हैं आप टायर गार्निश भी यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास होता है, जो कि भैया ने ऑलरेडी कंपनी से लगवा ली थी। तो थोड़ा अंदर का दिखा देता हूँ मॉल आपको। तो कुछ इस तरह की सिग्मा वेरिएंट मिलती है गाइज हमें। सीट कवर्स भैया ने ऑलरेडी कंपनी से फिटिंग करवा ली है। सीट कवर्स अगर आपको चाहिए तो बकेट फिटिंग हमारे पास भी मिल जाते हैं अवेलेबल ऑल द टाइम। तो दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अगर अंदर लेके चलूँ ना तो यहाँ पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे सिस्टम हमें देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का। तो इसको अभी हम हटा के ग्लॉसी फ्रेम के साथ यहाँ पे एंड्रॉयड लगाने वाले हैं। और एंड्रॉयड कौन सा रहने वाला है वो तो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एंड्रॉयड हम सेटअप करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं डोर्स की बात करूँ ना तो डोर्स में यहाँ पे हमें स्पीकर्स की जगह कुछ भी नहीं मिलता है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो इसको अभी हम फाड़ के कुछ इस तरह का करने वाले हैं। और इसके ऊपर से हम जो स्पीकर्स हमारे रहने वाले हैं JBL के लगाने वाले हैं चारों ही डोर्स में। तो आगे वाले दोनों डोर्स यहाँ पे हमने खोल लिए हैं, पीछे वाले डोर्स अभी खुल जाएंगे। पहले आगे वाले डोर्स की प्रॉपर हो जाए फिटिंग, उसके बाद पीछे वाले डोर्स का भी कर देंगे। और साथ ही साथ नीचे की साइड यहाँ पे हम वेलकम लाइट्स भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में है, जैसे जैसे फिटिंग होती है मैं आपको दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ आपको एक बार अंदर। और स्पीकर्स और एंड्रॉयड में आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कौन सा रहने वाला है। तो देख सकते हैं गाइस हमारा सिग्मा वेरिएंट, और चलते हैं शॉप के अंदर। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारे स्पीकर्स रहने वाले हैं JBL के रहने वाले स्टेज 1 सीरीज, और ये हमारा 350 वॉट्स के अंदर आता है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा स्पीकर रहने वाला है आगे और पीछे दोनों ही डोर्स में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इस साइड भी दिखाऊँ तो देख सकते हैं, तो ये हमारा कॉम्बो रहने वाला है फ्रंट बैक। साथ ही साथ दो रिंग हमारे पीछे वाले डोर्स में लगेंगे, दो रिंग हमारे आगे वाले डोर्स में लगेंगे। और प्रॉपर गाइस कपलर टू कपलर फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ग्लॉसी फ्रेम हमारा कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सिस्टम की ना तो देख सकते हैं गाइस प्रॉपर यहाँ पे नेपोन का सिस्टम हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड्रॉयड 9 प्रो टी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमारा कार प्ले के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार जब पूरी फिटिंग हो जाएगी ना हमारी कार में तब मैं आपको दिखाऊँगा कैसा यहाँ पे हमारा लुक रहने वाला है। तो अभी के लिए बने रहिए वीडियो में। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है फ्रॉन्क्स में कम्प्लीट। तो आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या करके दिया है। तो चारों ही कॉर्नर्स पे ना हमें कुछ इस टाइप के बम्पर कॉर्नर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर जो इनका कलर रहने वाला है ना सिल्वर कलर रहने वाला है। इनके ऊपर अभी ब्लू कलर की है अभी प्रोटेक्शन फिल्म चली हुई है, तो इसको अगर हम हटाते हैं तो इसका लुक कुछ सिल्वर कलर का आ जाता है कुछ इस तरह का। तो अगर साइड में आपको लेके चलूँ ना तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के आईपॉप डोर गार्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिस साइड में क्रोम ऊपर साइड ब्लैक कलर, जो कि हमारे ब्लू कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट में जाता है। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के गिलियो कंपनी के हमें हैंडल क्रोम्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी लुक जो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ गाइस कुछ इस टाइप के स्पोर्ट्स लाइन में रेन वाइजर्स हमारे रहने वाले हैं, और ये भी हमारा क्रोम टाइप में रहने वाला है। देख सकते हैं ऊपर इसके भी ब्लू कलर की यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर चढ़ी हुई है। इसको अगर हम उतारते हैं तो कुछ इस टाइप का ही कलर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा रेन वाइजर रहने वाला है गाइस। एक बार कार के अंदर अगर आपको लेके चलूँ तो डोर्स ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा वेलकम होता है गाइस वेलकम लाइट्स के साथ। देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हमें फ्रॉन्क्स लिखा हुआ देखने को मिलता है, और प्रॉपर यहाँ पे लाइटिंग हमें ब्लू कलर में देखने को मिलती है। पीछे वाले डोर्स का भी अगर रिस्पॉन्स में आपको दिखाऊँ ना एक बार तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सेम हमारा रहने वाले पीछे वाले डोर्स में थोड़ा सा छोटा, और आगे वाले डोर्स में बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ डिग्गी की अगर मैं बात करूँ तो डिग्गी में यहाँ पे हमने जनरल पार्सल ट्रे यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए, जो कि हमारी मारुति की ही रहने वाली है। अगर आपको लेके चलूँ मैं कार के अंदर ना तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्पीकर्स जो हमारे रहने वाले हैं ना वो हमारे प्रॉपर JBL के रहने वाले हैं, आगे वाले डोर्स में भी और पीछे वाले डोर्स में भी। अब मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम मैंने जैसे कि आपको बॉक्स दिखाया था यहाँ पे हमारा निपोन का रहने वाला है एंड्रॉयड 9 प्रो टी। तो कुछ इस टाइप का गाइस यहाँ पे हमें सिस्टम देखने को हमारा मिल जाता है। देख सकते हैं प्रॉपर हमारी वर्किंग रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सिस्टम एडलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है निपोन का सिस्टम। यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रांडिंग स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है निपोन 9 प्रो टी। और साथ ही साथ अगर मैं रिवर्स कैमरे की बात करूँ तो रिवर्स गियर डालते ही यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का EHD कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं गाइस नाइट टाइम है
और नाइट टाइम में भी कुछ इस टाइप का रिस्पांस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और स्पीकर्स तो मैं अगर बताऊँ आपको तो जो हमारे जेबल के रहने वाले वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स रहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना गाइज इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देता है हमारी कार के अंदर। तो कुछ इस टाइप का काम हुआ गाइज यहाँ पे हमारी फ्रॉन्क्स के अंदर, बहुत ही बेसिक काम है ये, आप भी अपने फ्रॉन्क्स में करवा सकते हैं। जैसे नई गाड़ी लेते हैं तो एक सिस्टम और चार अच्छे स्पीकर्स तो हमें चाहिए ही होते हैं। तो गाइज अगर आपको भी करवाना है ऐसे ही काम तो आप भी आ सकते हैं ऑटो एक्सपर्ट करोल बाग के अंदर। कॉन्टैक्ट और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़रूर विजिट करें ऑटो एक्सपर्ट कार एक्सेसरीज करोल बाग के अंदर।